तो स्वागत है आपका मेरी क्लास में, जहां मैं आपका टीचर एश नोस नथिंग आपको एनएमए के किसी भी टॉपिक को ऐसी सरलता से समझाएगा कि आप उस टॉपिक को सीखने के अलावा हर प्रकार की बकचोदी सीख लेंगे। आज का टॉपिक है हंटर हंटर के पावर सिस्टम नेन के बेसिक्स, जिसमें टेन रेन केन भेंच ऐसे जापानी शब्द होते हैं जिसको सुनने से हम भारतीयों के कान में बवासीर चालू हो जाता है। तो एक बार ईयरबड्स डाल के कान की गंदगी निकालिए और लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। तुम अगर हंटर हंटर की दुनिया में हो, सबसे पहले तो मस्खरों से दूर रहना, बाकी वहां पे तुम्हारी लाइफ एनर्जी को ऑरा बोलते हैं। ये ऑरा तुम्हारे बदन में मौजूद छेदों से बहता रहता है और गलती से ज्यादा बह गया तो तुम्हारी सांसें तेज हो जाएगी, तुम आहें भरने लगोगे और झड़ जाओगे। ये छेदों को ऑरा नोड्स कहते हैं। जो कभी कभी तुम ज्यादा उत्तेजित हो जाओगे, आसान भाषा में मस्ती आने लगोगे, तो इन छेदों की संख्या बढ़ जाती है और ऑरा बदन के हर दिशा से बहने लगेगा। खराब बात यह है कि इस ऑरा को तुम तब तक नहीं देख सकते जब तक तुम्हारी आंखों के ऑरा नोड्स का छिद्र ना खुला हो। इसी बहते ऑरा को कंट्रोल करना सीखना तुम लोगों का नेन का पहला लेसन होगा। ऑरा को कंट्रोल करने से पहले तुम्हें अपने बदन के सारे चक्षु को इच्छा अनुसार खोलना बंद करना सीखना पड़ेगा। इसके दो तरीके, पहला सन्यासी बन जाओ और जंगलों में जाके मोह माया से दूर होकर मेडिटेशन करना चालू कर दो। लेकिन अगर तुम लोग मेरी तरह हो, जिसे अपना हाथ और HD क्वालिटी की वीडियोस ज्यादा प्यारी है, तो दूसरा मेथड तुम लोगों के लिए बिल्कुल सही होगा। इसमें तुम्हें गुरुजी को ढूंढना है जिन्हें ऑलरेडी अपना ऑरा कंट्रोल करना आता हो, और वो फिर तुम्हारे बदन के नोड्स में अपना लॉ ऑरा घुसेड़ देंगे, उससे तुरंत तुम्हारा ऑरा भी खुल जाएगा। दिक्कत बस इतनी है कि इस मेथड में अगर तुम अनलकी हुए तो तुम मर भी सकते हो, लेकिन हमारे भारत में कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों को इस रिस्क से वैसे भी डर नहीं लगता है। तो या हम लोग जल्दी नैन सीख सकते हैं। तो गुरुजी ने अपना ऑरा घुसेड़ा, हमारे चक्षु खुले और ऑरा बदन से निकल के बहने लगा। अब शुरू होती है नैन की ट्रेनिंग, जिसमें हम इस ऑरा को कंट्रोल करना सीखेंगे। नैन बेसिक चार तत्वों में बटा है, टेन, जेत्सु, रेन, हात्सु। अभी अफलातूनी नामों को एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले टेन, क्योंकि ऑरा के कोक से निकलते समय तुम ऑलरेडी 9 तक पहुंच चुके होगे। तुम्हें अपने ऑरा को लीक होने की जगह कंट्रोल करके अपने बदन के चारों ओर उसे रखना सीखना होगा, इसी को टेन कहते हैं। टेन का मेन पॉइंट ये है कि तुम ऑरा को मक्खन की तरह कंट्रोल करना सीख लो, और ये डिफेंस की तरह भी यूज होता है। तो अगर नारुतो की इस कैरेक्टर ने 10 बार ये एबिलिटी यूज की तो टेंटेन ने 10 times 10 किया हो जाएगा। जेत्सु, ये सारे एबिलिटी के नाम नारुतो के कैरेक्टर्स पे क्यों है भाई? इसमें तुम्हें अचानक से अपने सारे खुले छेदों को बंद करके बदन से बहते ऑरा को रोक लेना है। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे तुम पूरी ताकत लगा के पेशाब कर रहे और फिर बीच में धारा को रोक दो, इतनी शक्ति इसमें भी लगती है। जेत्सु भी ऑरा को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज है कि कैसे ज्यादा देर तक बिना झड़े टिक पाओ, लेकिन ये दूसरे नैन यूजर से छुपने में भी काम आता है। तुम अपना ऑरा हटा दोगे तो वो तुम्हें सेंस नहीं कर पाएंगे, तो स्टेल्दी टाइप्स के लिए भी ये मस्ट है। रेन, जैसे टेन में तुम अपने ऑरा को अराउंड करना सीख रहे, तो इसमें तुम्हें अपने ऑरा को बाहर की तरफ इजैकुलेट करना सीखना पड़ेगा, जैसे तुम उसे किसी को अटैक कर रहे हो। मान लो अगर तुम किसी मुस्टंडे लौंडे के बगल में गए और उसकी बस एनर्जी फील करके तुम्हारे पिछवाड़े का छेद टाइट हो गया, तो समझ लेना तुम उस लौंडे के रेन के चपेट में हो। नैन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि तुम अपने ऑरा में अपने इमोशंस भी भर सकते हो। जैसे तुम्हें मन हुआ कि लड़की को मंत्रमुग्ध करना है तो उसके तरफ अपनी खूबसूरती का रेन छोड़ दो। आज के जमाने में इसी रेन के इस्तेमाल से लड़की पटाने को रिस्क का नाम दे दिया गया है। रेन से तुम दुश्मनों को सहमा सकते हो, उन्हें बिना छुए छूने का एहसास भी करा सकते हो। कुल मिलाकर तुम लोग समझ रहे होगे कि नैन बुरे लोगों के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। चौथा और आखिरी प्रिंसिपल है हात्सु। इसमें तुम अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से नई नई पावर बना सकते हो। तो इधर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि तुम्हारी ये क्रिएटिव पावर कैसे बनती है। सबसे पहले तुम्हें अपनी नैन कैटेगरी जाननी होगी, तो अपनी कॉपी उठाओ और उसमें ये षटकोण बनाओ। हंटर हंटर में कुल 6 प्रकार के नैन होते हैं। इनहांसर्स दुश्मनों के मुंह पे मुट्ठी और एड़ी मारने को प्राथमिकता देते हैं। हमारे भारत के सबसे बड़े इनहांसर सलमान भाईजान जी है, इन्होंने एक बार अपनी नैन से हिरन को भी मार दिया था। ट्रांसम्यूटेटर्स, नैन की मदद से दुनिया की किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को रेप्लिकेट करना, जैसे हिसोका का बंजी गम। इसमें गम और रबर दोनों की प्रॉपर्टी है, पर रबर के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफेद चिपचिपा पदार्थ भी होता है, तो वो बंजी गम का हिडन एलिमेंट है। एमिशन, नैन की मदद से किसी पे उड़ती शक्ति मारे, आप जब कमोड़ में बैठ के निकालते हैं तो वहाँ इसी नैन का प्रयोग करते हैं। कॉन्जुरेशन, नैन की मदद से मंत्र पढ़ के अपने हाथों में वस्तु प्रकट कराना, शकालाका बूम बूम का संजू इसी कैटेगरी में आता है। मैनिपुलेशन, दूसरे को कंट्रोल करना, ये ऐसी एबिलिटी है जो भारत में बिना नैन के भी लोग कर देते हैं, फेमस बाबा से लेकर बड़े पॉलिटिकल फिगर से लेकर हर घर की औरत तक। और आखिर में आता है स्पेशलाइजेशन, जिसको करने के बाद भी हमारे देश में जॉब नहीं मिलती है, तुम नल्ले रहोगे। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। हमारी कक्षा में पढ़ना आपको पसंद आया तो अपने कच्चे की फुफूंदी सूंघे, क्योंकि जीभ लगाना हानिकारक हो सकता है। कमेंट्स में हमें बताएं कि अगले लेक्चर में आप क्या पढ़ना चाहेंगे, और अपने छोटे भाई बहन मम्मी पापा सास ससुर को भी मेरी क्लासेस रिकमेंड कीजिए। उनसे कहिए कि मेरे कोर्स को लेने से आप बेड में ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, वो भी अकेले।